बालाघाट में एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर ग्रामीण कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि विगत दिनों ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लंबित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल करके ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब सरकार की चल रही मोनोपोली को नकारते हुए ग्रामीण विकास में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने संघर्ष मोर्चा के निर्णय पर बालाघाट जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं में कार्यरत संगठनों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक दिवसीय अवकाश में जिला पंचायत बालाघाट के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर एवं जिला CEO को ज्ञापन सौंपा। आज हमारे संयुक्त मोर्चा के सारे अधिकारी कर्मचारी जो कि जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत से संबंधित है, सारे कर्मचारियों की समस्या है। सारी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, मनरेगा हो, RTI हो, 181 हो, SDM हो, प्रधानमंत्री आवास हो, निर्माण कार्य की अनेक योजनाएं पर एवं जन कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से लागू की गई है और जिसका क्रियान्वयन संचालन हमारा पूरा जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत का पूरा मैदानी स्तर का अमला पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता है।